प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत की नई उम्मीदों की नई आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की इस यात्रा के पथ प्रदर्शक देश के शिक्षक हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा विषय पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए शुक्रवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से नए युग के निर्माण के बीच पड़े हैं और यह 21वीं सदी के भारत को नई दिशा प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP का ऐलान होने के बाद बहुत से लोगों के मन में कई सवाल आ रहे हैं, मसलन ये शिक्षा नीति क्या है, ये कैसे अलग है, इससे स्कूल और कॉलेजों में क्या बदलाव आएगा। कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते भारतीय बाजारों में आज सोने और चांदी की दर तेजी से गिरी। MCX और सोना वायदा 0.9% गिरकर 51,306 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी वायदा 1.5% लुढ़क कर 67,970 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया। पिछले सत्र में सोना 0.7% चढ़ा था, जबकि चांदी 0.52% बढ़ी थी। पिछले महीने 56,200 और 79,723 के उच्च स्तर के बाद भारत में सोना और चांदी की कीमतों में लगातार उतराव चढ़ाव आया है। हाल के दिनों में इन्होंने सीमती दायरे में कारोबार किया है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच अब भारत ने जापान के साथ मिलकर हिंद महासागर में चीन की घेराबंदी करना शुरू कर दिया है। चीन को सबक सिखाने के लिए कई सालों से चली आ रही बातचीत के बाद अब भारत और जापान ने दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति एवं सेवाओं के आदान प्रदान के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जेल में बंद रिया चक्रवर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ड्रग्स केस में रिया को राहत नहीं मिली है। मुंबई की सेशन कोर्ट ने रिया को जमानत नहीं दी है। सभी 6 आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। रघुवंश प्रसाद ने RJD से इस्तीफा देकर लालू प्रसाद यादव से अपना रास्ता अलग करने का फैसला लिया है। रघुवंश RJD के उन चुनिंदा नेताओं में से एक है जिन्होंने पार्टी की बुनियाद रखने से लेकर लालू यादव को बुलंदियों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। अपने 4 दशक के CIC सफर में रघुवंश प्रसाद ने अपनी समाजवादी विचारधारा से कभी भी समझौता नहीं किया और न ही अपने दामन पर कोई भी भ्रष्टाचार का दाग लगने दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के मसले पर सियासत शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के लोनी से भारतीय जनता पार्टी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर कंगना को Z+ की सुरक्षा देने की मांग की है। इसके साथ ही विधायक ने महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने और CM उद्धव ठाकरे को गिरफ्तार करने की मांग की है। कोरोना काल में लोगों ने ट्रेन से भी दूरी बना ली है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोग सफर करने में परहेज कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए ढील तो दी जा रही है, लेकिन देश की लाइफलाइन मानी जाने वाली ट्रेन जो पहले यात्रियों से खचाखच भरी रहती थी, उनमें अब आसानी से सीट मिल रही है। महासमुंद जिले के तुमगांव थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां जोबा गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हो गई है। वहीं 3 लोग बुरी तरह से जख्मी पाए गए हैं, जिन्हें गंभीर अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने मामले में मृतक परिवार के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। रायपुर सड़क सुरक्षा परिषद की वर्चुअल बैठक में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। परिवहन मंत्री ने आगे कहा है कि सड़कों पर अनावश्यक मोड़ ना रखें, स्ट्रीट लाइट चालू रहें। इसके साथ ही सड़कों पर स्टंट करने वालों पर कड़ी करने की बात कही है। मध्य प्रदेश में इंदौर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। कोरोना मरीज की संख्या बढ़ने के साथ यहां ऑक्सीजन की डिमांड अब छत्तीसगढ़ का भिलाई शहर पूरा करेगा। भिलाई से इंदौर में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। भिलाई की बरोक्सियर कंपनी से हफ्ते में 2 टैंकर ऑक्सीजन इंदौर भेजने का फैसला किया गया है। कोरबा के कृष्णा हॉस्पिटल में एक महिला ने 4 बच्चे को जन्म दिया, जिसमें 3 लड़की और 1 लड़का शामिल है। वहीं इसमें जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। मिली जानकारी के अनुसार कोरबा जिले के अंतर्गत रिजदी निवासी प्रियंका किरण को प्रसव पीड़ा होने पर कोरबा के कृष्णा हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कराया गया, जहाँ महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया, जिससे बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ हैं।
सुकमा जिले में नक्सलियों की बदली हुई रणनीति का असर देखने को मिल रहा है। बीते 3 दिनों में नक्सलियों ने अपना खौफ फैलाने अलग अलग जगहों पर फरमान जारी किया है। ताज़ा मामला पोलमपल्ली थाना क्षेत्र के पालमडंगो गांव का है, जहां नक्सलियों ने 2 परिवार को गांव से निकल जाने का फरमान सुनाया है। नक्सलियों द्वारा निकाले गए परिवारों में से एक परिवार पुलिस जवान का है। नक्सलियों ने पुलिस के जवान पर ग्रामीणों को परेशान करने का आरोप लगाया है। सुपर बाइक्स का शौक रखते हैं तो ट्रायम्फ ने भारत में अपनी सबसे पावरफुल मोटरसाइकिल रॉकेट 3GT को लॉन्च कर दिया है। इस दमदार बाइक की एक्स शोरूम की कीमत 18,04,000 रुपए है। इस कीमत के साथ ये भारत में ट्रायम्फ की सबसे ज्यादा महंगी बाइक बन चुकी है। भारत में ट्रायम्फ की रॉकेट 3R बाइक पहले से मौजूद है। नई रॉकेट 3GT पुरानी वाली से 40,000 रुपए महंगी है। इसकी बुकिंग आप ट्रायम्फ के शोरूम से कर सकते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 13वें सीजन में फ्रेंचाइजी टीम चेन्नई सुपर किंग के 2 सीनियर खिलाड़ी निजी कारणों के कारण नाम वापस ले चुके हैं। उप कप्तान सुरेश रैना दुबई से स्वदेश लौट गए, जबकि हरभजन सिंह ने टीम से जुड़े रहने के पहले ही नाम वापस लेने का फैसला ले लिया। CSK की ओर से इन दोनों क्रिकेटरों के रिप्लेसमेंट की घोषणा नहीं हुई है। ऐसी खबर आ रही है कि रैना की जगह CSK टीम से इंग्लैंड के डेविड मलान को शामिल किया जा सकता है।